10 नवंबर 2005 बंदूकें तैयार हैं, असलहों की नाल में गोली भरी जा चुकी है। इंतजार है तो बस एक जंग, एक ऐसी जंग जिसमें उसूल कायदों की कोई जगह नहीं, जगह है तो सिर्फ दुश्मन को ठिकाने लगाने के मकसद की। एक सियासी मगर खूनी जंग की सभी तैयारियां पूरी करके ये काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि ये काफिला अपनी मंजिल तक पहुंच पाता, इस रेलवे क्रॉसिंग ने काफिले का रास्ता रोक लिया। काफिले में चल रही गाड़ियों में अचानक ब्रेक लगे ही थे कि पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दर्जनों गोलियां एक साथ चली और देखते ही देखते पूरी सड़क खून से लाल हो गई। इस वारदात में वैसे तो दो लोगों की मौत हुई, लेकिन इन दोनों में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर यूपी के छोटे से जिले ललितपुर में भूचाल आ गया। जी हाँ, यहाँ गोलियों से छलनी किया गया शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि यहाँ की रियासत का राजकुमार संजय सिंह बुंदेला उर्फ संजू था। वो संजू राजा जिसके खौफ से हवा भी अपना रुख बदल लेती थी, लेकिन आज वही राजकुमार गोलियों से छलनी होकर बेजान हो चुका था। दरअसल हुआ यूं कि राजकुमार संजय ललितपुर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे। इसी सिलसिले में वो अपने काफिले के साथ अपनी पत्थर की खानों का मुआयना करके महल की ओर लौट रहे थे, और अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी पर बंदूकधारियों ने हमला बोल दिया। इससे पहले कि राजकुमार कुछ समझ पाते, उनका जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। इस वारदात में केवल राजकुमार ही नहीं बल्कि उनके एक साथी की भी मौत हो गई, जबकि उनके कई हमराह गोलियों से जख्मी हो गए। ये कत्ल केवल बुंदेलखंड की रियासत के राजकुमार का कत्ल नहीं था, बल्कि सूबे की सत्ता में मंत्री के पद पर बैठे राजा वीरेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे का भी कत्ल था। चूंकि कत्ल एक मंत्री के बेटे का हुआ था, लिहाजा पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। हाँ, इस वारदात के चंद चश्मदीदों ने इतना जरूर बताया कि संजू राजा को कार्बाइन की गोलियों से छलनी किया गया। चश्मदीदों ने पुलिस को गाड़ी के बारे में भी जानकारी दी जो वारदात के वक्त संजू के काफिले में पीछे मौजूद थी, और कत्ल के बाद मौका वारदात से गायब हो गई। अभी पुलिस कुछ जांच कर पाती कि राजकुमार के कत्ल की खबर पूरे सूबे में फैल गई। फिर क्या था, राजघराने के चाहने वालों ने शहर में आगजनी और कोहराम मचाना शुरू कर दिया। इलाके में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानें जलकर खाक हो गई, पूरा शहर आग की चपेट में था और कातिल पुलिस की पकड़ से बहुत दूर, या यूं कहें कि कातिल का पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। पुलिस कातिल की तलाश में अंधेरे में तीर चला रही थी। लेकिन इसी बीच सनसनीखेज कत्ल के मामले में वो नाम सामने आया जिसने सूबे की सरकार को एक बार फिर हिला दिया। पुलिस कातिलों की सरगर्मी से तलाश कर ही रही थी कि खुद संजू राजा के घरवालों ने पुलिस को वो नाम दिए जिन पर इस वारदात को अंजाम देने का शक था। ये नाम था बुंदेलखंड के बाहुबली नेता जयराम सिंह यादव का। वो जयराम सिंह यादव जो राजघराने के खिलाफ सबसे मजबूत नेता बनकर उभर रहा था। बल्कि नाम क्या सामने आया, संजू के समर्थकों ने जयराम सिंह के घर पर हमला बोल दिया। जयराम के घर को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, गाड़ियां जला दी गई और घर पर सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई। उधर संजय राजा के कत्ल में दर्ज एफआईआर में राजकुमार के समर्थकों ने तहरीर दी कि मौकाए वारदात पर यानी रेलवे क्रॉसिंग के पास जयराम और संजू के समर्थकों में झड़प हुई, और देखते ही देखते जयराम के गनर ने संजू राजा पर अपनी कार्बाइन से कई गोलियां दाग दी। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र था कि गोली दोनों तरफ से चली, इनमें से कई गोलियां जयराम और उसके गनर को भी लगी। कत्ल के इस मामले में सिर्फ जयराम यादव ही नहीं, उनकी बीवी और बेटों को भी नामजद करा दिया गया। इस मामले में सबसे खास बात यह थी कि दोनों ही नेता तत्कालीन मुलायम सरकार के बेहद करीबी थे।
राजा वीरेंद्र सिंह एक मंत्री थे और जयराम सिंह यादव बिरादरी का होने के नाते मुलायम सिंह यादव के चहेते माने जाते थे। अब पुलिस और सरकार खुद पशुपेश में थी कि आखिर किसे पकड़ा जाए और किसे बचाया जाए। इन सब के बावजूद शहर के हालात को देखते हुए पुलिस ने जयराम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस कत्ल को संजू और जयराम की राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा था, क्योंकि राजा भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था और जयराम भी अपने बेटे को इसी चुनाव में खड़ा करके जिताना चाह रहा था। कहते तो ये भी हैं कि सरकार में बैठे कई लोग भीतर ही भीतर मंत्री के खिलाफ जयराम को शह दे रहे थे। यही वजह थी कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन जांच इतनी लचर थी कि पहले ही मोड़ पर जयराम की पत्नी और बेटे को जांच से बाहर कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि जब दोनों बेकसूर थे तो पुलिस ने दोनों के खिलाफ बिना किसी जांच के FIR दर्ज क्यों की। इस खूनी जंग को समझने के लिए इसकी बुनियाद में जाना बेहद जरूरी है। इस दुश्मनी की शुरुआत तब हुई जब जयराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर अचानक मुलायम सिंह यादव का दामन थाम लिया। बस फिर क्या था, सरकार से जयराम को शह मिलने लगी और उसने अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये बात गुस्सेल संजू राजा को पता चली तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने जयराम को सबक सिखाने के लिए उसके घर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। इस घटना के बाद सरकार ने संजू राजा के पिता वीरेंद्र सिंह बुंदेला को हिदायत दी कि वो राजकुमार को काबू में रखें। यही नहीं, तब के सपा नेता शिवपाल यादव ने दोनों के बीच सुलह सफाई कराने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव जारी रहा। मुकदमा जयराम यादव और बाकी 5 आरोपियों पर चल रहा था, जिन्हें अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। सवाल ये था कि आखिरकार संजू राजा का कत्ल किसने किया, तो इसका जवाब कुछ ऐसे सामने आया। जयराम यादव की सुरक्षा में तैनात गनर को भी पुलिस ने नामजद किया था। पुलिस ने यह दलील दी कि गनर की गोली से ही संजू और उसके साथी की मौत हुई। उधर संजू राजा के घर वाले ये साफ तौर पर कह रहे थे कि ये एक सोची समझी कत्ल की वारदात थी जिसमें गनर को मोहरा बनाया गया। इस कत्ल की बारीकियों को समझने वालों का तो यहां तक कहना था कि यह कत्ल तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की मर्जी और इशारे पर हुआ। पूरे मामले में ये दिखाने की कोशिश की गई कि रेलवे क्रॉसिंग पर हुई मुठभेड़ में संजू राजा जयराम को मार देता, लिहाजा गनर ने आका की जान बचाने के लिए दुश्मन पर गोलियां चला दी। यही वो चाल थी जिसने अदालत में पुलिस के मुकदमे को कमजोर कर दिया। चूंकि इस वारदात में जयराम ने खुद को और अपने गनर को जख्मी साबित कर दिया, लिहाजा कानूनी तौर पर केस और कमजोर हो गया। दूसरी ओर अदालत में वो कागजात भी रखे गए जो ये साबित करते थे कि संजू राजा भी क्रिमिनल था और उस पर भी कई मुकदमे दर्ज थे। लेकिन कातिल को कातिल साबित करने के लिए हर कड़ी पुलिस मौका वारदात पर छोड़ती चली गई। सबसे पहला सवाल तो संजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही उठ गया। पोस्टमार्टम में ये कहा गया कि मरने वाले दोनों के जिस्म से कोई गोली बरामद नहीं हुई, तो आखिर गोलियां कहां गई? जी हां, ये वो सवाल हैं जो कत्ल करने वाले लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुए, क्योंकि गोली नहीं मिलने पर यह भी साबित नहीं होगा कि कत्ल के वक्त कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया, और अगर ये साबित नहीं हुआ तो ये भी साबित कर पाना मुश्किल है कि कातिल कौन था। पुलिस अपनी जांच में ये भी नहीं बता पाई कि अगर दोनों के बीच गोलीबारी हुई तो पहली गोली किसने चलाई, गोलियां और खोखों के बोर क्या थे, कौन सी गोली सरकारी और कौन सी गैर सरकारी असलहे से चलाई गई। पुलिस ये भी साबित करने में नाकाम थी कि संजू राजा पर गोली हिफाजत के लिए चलाई गई थी। सवाल ये भी था कि संजू राजा के बाकी साथियों को गोलियां कैसे लगी, क्या जयराम का गनर ही फायरिंग कर रहा था और उसने किसी को फायरिंग करने का मौका तक नहीं दिया। पुलिस गनर से जुड़ी किसी भी सबूत को कोर्ट में रखने में नाकाम रही। इस कत्ल से जुड़े इतने सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस ने अदालत के सामने नहीं रखा, और शायद यही वजह है कि यह कत्ल आज तक संदेह की धूल में लिपटा हुआ है। साल 2018 में संजू राजा के कत्ल का मामला ये कहकर बंद कर दिया गया कि गनर ने अपना कर्तव्य निभाते हुए फायरिंग की थी, इसीलिए उसे कत्ल का दोषी नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि आज भी ललितपुर के लोग पूछ रहे हैं कि संजू राजा का हत्यारा कौन।